और एक्सिको की आज 49% प्रीमियम पर शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी के ग्रोथ प्लान को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए कंपनी के एमडी और चेयरमैन आलोक वाजपेयी और डायरेक्टर रजनीश कुमार जी। रजनीश जी, आलोक जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और पहले तो इस दमदार लिस्टिंग के लिए कंग्रेचुलेशन आपको। शेयरधारकों को भी आज बेहतरीन मुनाफा हुआ है आज लिस्टिंग वाले दिन ही। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आलोक जी, पहले आप, पहला सवाल आपसे होगा, अब लिस्टिंग तो हो चुकी है, कंपनी ने फंड भी रेस कर लिए हैं, अब आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। जी, पहले आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है और जो हमने फंड रेज किया है वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए किया है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, हमारे जो अगर आप बस वर्टिकल ले लें, फ्लाइट वर्टिकल ले लें, यहाँ पे बेजोड़ ग्रोथ आई है पिछले 2 सालों में। अगर आप देखें ट्रेन में भी हमने मार्केट शेयर गेन किया है, तो यहाँ पे जैसे जैसे बिजनेस हमारा ग्रो करता है थोड़ी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी और एआई और क्लाउड सर्विसेज में इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, और रजनीश आपको और बता सकते हैं उसके बारे में। बट तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि एक ऑप्शनैलिटी है कि हम कोई एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें अपने सेक्टर में, जैसा कि हमने 2 बहुत सक्सेसफुल एक्विजिशन करे हैं, कन्फर्म टिकट और अभी बस 2021 में हमने एक्वायर करे, और दोनों ने बहुत अच्छा ग्रोथ हमें डिलीवर किया है। ट्रेन और बस साइड में अभी टाइटली इंटीग्रेटेड है हमारी तीनों ब्रांड्स, एक्सिको, कन्फर्म टिकट, अभी बस, और हम यहाँ होटल्स में अभी नए खिलाड़ी हैं। हमने दिसंबर में ही होटल्स ओटीए लॉन्च किया है और यहाँ पे अभी ग्रोथ की काफ़ी उम्मीद है। आलोक, काफ़ी विस्तार से आपने समझाया, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा और समझाइएगा रजनीश, न सिर्फ इस बात को कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी तमाम नई योजनाओं को लेकर, साथ ही क्योंकि छोटे मझोले टियर 2 टियर 3 टाउन्स हैं वो भी आपके फोकस में है, और मेरे ख्याल से उसमें आगे बढ़ने को लेकर भी आप एक रणनीति बना रहे हैं। रजनीश, बताइएगा कि यहाँ पर एक तो ट्रेंड कितना अलग है महानगरों के मुकाबले, और कैसे आप अपने पैर यहाँ पर और डीपली पसार रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप हमारी कहानी भी देखेंगे तो हमारी कहानी बिल्कुल नेक्स्ट बिलियन यूजर्स की है, और वो कहानी वहाँ से ही शुरू होती है कि जब हमने ट्रेन्स के ट्रैवलर्स के लिए, जैसे आपको पता होगा भारत जो है वो ट्रेन में ट्रैवल करता है, फ्लाइट में नहीं, फ्लाइट अभी भी 4% से कम है हमारे देश में, और उनकी प्रॉब्लम्स जो हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हमने जब शुरू किया 2014 में, तो हमें यही समझ में आया कि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं थी। उनकी प्रॉब्लम थी उनके ट्रेन का पीएनआर प्रेडिक्शन उनको नहीं पता होता था, उनको ट्रेन का लोकेशन नहीं पता होता था, और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हमने जो सॉल्व करी, इससे हमने यूजर्स का वो जो ट्रस्ट गेन किया है उसी की बदौलत आज हम 43 करोड़ एनुअल एक्टिव यूजर्स के मुकाम पर पहुंचे हैं। और इस नंबर की सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे के सारे यूजर्स, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स है वो हमारे टियर 2 टियर 3 टाउन से आते हैं, और हमने सबसे पहले मोनेटाइजेशन की भी हमने कहानी जब शुरू करी तो वो हमने 2017 में ही शुरू करी, जब हमने IRCTC के साथ पार्टनरशिप करी और हमने ट्रेन टिकटिंग चालू करी, और वो उसके भी ग्रोथ का यही रीज़न है कि जो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया उनकी कोर कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, उसकी वजह से वो ग्रोथ आई, और उस ग्रोथ की वजह से हमें मोनेटाइजेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आई। और अभी ये बस शुरुआत है, अभी हमने फिर 2019 में 18 में फ्लाइट्स और 2019-20 में बस में भी एंट्री मारी, और लास्ट ईयर दिसंबर में हमने होटल्स में भी अपनी एंट्री मार ली है। अभी ये बहुत अर्ली डेज है, मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे आज हमारी लिस्टिंग हुई है बट अभी भी ऐसा लगता है कि ये पहला दिन है हमारे लिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा क्रिकेट का, कि जब हम अपने प्रिय खिलाड़ियों को देखते हैं पिच की तरफ बढ़ते हुए, और जब वो अपने उछलते हुए कूदते हुए फ्लेक्स करते हुए वार्म अप करते हुए पिच की तरफ जाते हैं, तो हमें भी वो देख के यही लगता है कि जो पीछे के 17 साल हैं वो उसी ढंग का एक वार्म अप ही है, नेट प्रैक्टिस है जो हम कर रहे थे, और इनिंग्स की शुरुआत जो है वो आज से हुई है, तो पारी अब शुरू हुई है और इस पारी के लिए हम अब पूरी तरह से तैयार हैं बिग लीग में मैच खेलने के लिए, और ये शुरुआत अब हमारे लिए एक नया सिरा होगा जिसके लिए हमारी पूरी टीम और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।
बिल्कुल, और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन आलोक जी, थोड़ा हम आप समझना चाहेंगे, पिछले 3 साल का जो हम ग्रोथ देख रहे थे आपके रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में, 162% की ग्रोथ रेवेन्यू, मुनाफा अगर देखें 120% की ग्रोथ कंपनी दर्ज कर रही, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज भी रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है इस स्पेस में। करंट मार्केट शेयर अभी आपका फिलहाल कितना है, अगर आप वो हमें थोड़ा बता पाएँ, और इस कंपटीशन को देखते हुए क्या कंपनी आगे भी ये जो ग्रोथ है मेंटेन कर पाएगी प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर? जी, तो देखिए, ट्रैवल हमेशा से ही बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड रहा है। जब से हमने शुरुआत करी थी तब से ही बहुत सारे ऑनलाइन ट्रैवल प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, लेकिन इक्सिगो की जो ग्रोथ आई है वो इसलिए आई है क्योंकि हमने जाके देश के तमाम मिडिल क्लास ट्रैवलर्स की प्रॉब्लम्स को समझा, जो टीयर 2-3 टाउन से आ रहे हों या फिर जो एस्पायरिंग मिडिल क्लास टीयर 1 से भी आ रहे हों। क्योंकि जैसा कि रजनीश ने आपको बताया, 4% अगर देश का हमारा उड़ता है तो किसी भी OTA को फ्लाइट को सेंटर में रख के नहीं सोचा जा सकता है इस देश में, क्योंकि अदरवाइज आप 96% पॉपुलेशन के लिए टोटली इररेलेवेंट है। तो हमने जब ये इनसाइट हमें आई 2014 में, और हमने ट्रेन और बस को बीच में रख के OTA बनाया, तो उस तरह से अगर आप देखिए तो हमारा मार्केट शेयर भी उस तरह से ही बढ़ा। ट्रेन में हम नंबर 1 प्लेयर हैं, हमारा मार्केट शेयर बढ़ के 52% से ज़्यादा पार कर चुका है 9 महीने वाले पीरियड में, जो डिक्लेयर्ड पीरियड है। अगर आप बस देखें तो बस में हम नंबर 2 प्लेयर हैं, लेकिन वहाँ भी मार्केट शेयर बढ़ा है हमारा 11% से बढ़ के वो 12.99% ऑलमोस्ट 13% पहुँच गया था। अगर आप फ्लाइट की भी बात करें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मैं कहूँगा कि सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स वेल इंट्रेंच्ड हैं, और बाहर से देखने में लगता है कि इस कंपनी का कोई राइट टू विन नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हमारा राइट टू विन आ रहा है इस बात से कि जितने भी नए एयरपोर्ट आ रहे हैं हमारे देश में, ज़्यादातर टीयर 2-3 शहरों में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का भी जो प्लान है अगले 50 एयरपोर्ट का, अगर आप उठा के देखें तो उसमें 5 एयरपोर्ट्स को छोड़ के, लगभग 5-6 एयरपोर्ट्स को छोड़ के, बाकी सब टीयर 2-3 टाउन्स हैं। मैं कहूँगा टीयर 3 हैं ज़्यादातर। तो आप अगर पिछले 5 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, दरभंगा, झारसुगुड़ा, बरेली, आप सिंधुदुर्ग, आप ये अयोध्या देख लीजिए, जितने भी एयरपोर्ट्स आए हैं वहाँ पे हमने अपने एग्जिस्टिंग यूज़र बेस में देखा है कि ग्रोथ आई है फ्लाइट बिजनेस की, और हमने वहाँ पे मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से ग्रो कराया। 3.something% से हम 5.3% पहुँच गए पिछले 9 महीने के पीरियड में, और फास्टेस्ट ग्रोइंग OTA थे हम फ्लाइट्स बिजनेस में भी, जहाँ पे ओवरऑल मार्केट सिर्फ 20% या 25% ऑड ग्रो कर रहा था, उस पीरियड में हमने ऑलमोस्ट 80% अपना ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू ग्रो कराया है फ्लाइट्स में। तो मैं कहूँगा कि अभी कहानी की शुरुआत है, जिस पार्ट ऑफ द मार्केट में हम प्ले कर रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ अभी बहुत बाकी है, और होटल्स की तो अभी बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत नए खिलाड़ी हैं उसमें, तो बहुत सारा कुछ अभी वहाँ सीखना है करने के पहले। लेकिन हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हम जिस तरह से सोचते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करें, मोनेटाइजेशन तो अपने आप आ जाता है, यही हमारा प्लेबुक रहा है पिछले 10 साल से, 15 साल से, तो यही प्लेबुक को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और राइट आलोक, जैसा कि आपने खुद कहा कि कहानी की शुरुआत है, तो यानी पिक्चर अभी बाकी है। आपका और रजनीश का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब आज हमें दी। चलिए, तो इसी के साथ